नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। चाहे भले ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही हो, पर निशाने पर हमेशा से समाजवादी पार्टी रही है। उन्हीं के गठबंधन की पार्टियां, चाहे वो ओपी राजभर हो या शिवपाल यादव हो, अक्सर उन पर तंज कसते हुए नजर आते थे। वही अब उन तमाम बयानबाजियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अखिलेश यादव ने लेटर जारी कर साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जिसको जहां जाना है या फिर जहां ज्यादा सम्मान मिल रहा है वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र। और उनके इस बयान के बाद से यूपी की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आया है। दूसरी तरफ ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भी इस पर शायराना अंदाज में ट्वीट कर तंज कसा है। इन्हीं सब बातों पर आज की हमारी वीकेंड चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस पर क्या कुछ रुख अलग अलग नेताओं का है आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं एमओआई का, उससे उबर पाएंगे का? हम फिर कह रहा हूं, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपने हिस्सेदारी के लिए बोल दे। जो बहुत बोल रहा होगा कि टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज के हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। राजभर हिस्सेदारी की बात करता है, ये बुरा बात है। पहले चरण के 58 सीटों में मैंने कहा कि बताओ कश्यप को कितना सीट दिया, कहा दूसरे चरण में देंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। पाल प्रजापति को क्यों नहीं, साके सैनी माली को क्यों नहीं, अर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार को क्यों नहीं? उस इलाके में ये जातियां रहती हैं, आप उनको टिकट नहीं दोगे, वोट चाहिए आपको। इस बात को उनको बुरा लगा विधानसभा में ही। दूसरे चरण में 55 सीटों में मैंने कहा, पूछा कि अब क्या तीसरे में देंगे, हमके फिर दोनों में वोट क्यों मिलेगा? ये बात उनको बुरी लगी कि ये अति पिछड़ों की हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है, ये बात क्यों बोल रहा है। हम उनके सुर में सुर मिलाने गए थे, हम हमेशा अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनके हक के लड़ते हैं। मैं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया, अब फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया, तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो, उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो जो कम से कम 50 हजार वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी। देखिए अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी, आज के डेट में पूरी समाजवादी पार्टी शकुनी पार्टी बन के रह गई, शकुनियों का जमवाड़ा है समाजवादी पार्टी में, और उसी का ये परिणाम है। शकुनियों के इशारे पे नेताजी के साथियों को, नेताजी के साथ जिन लोगों ने लाठियां खाई जेल में, चुन चुन करके अपमान हो रहा है। जैसे चुनाव निकल जाता है आप अपमान पे अपमान करते हैं, और आज तो आपने अपमान का सार्वजनिक प्रमाण पत्र बांट दिया, वो सबके बीच है। ये अपमान वरिष्ठ समाजवादियों का, संघर्ष करने वाले समाजवादियों का, त्याग करने वाले समाजवादियों का, लोहिया जी और जनेश्वर जी के विचारधारा पे चलने वाले सभी समाजवादियों का अपमान है, सच्चे समाजवादियों का अपमान है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब रोम प्रकाश राजभर, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो, उस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है? तमाम तरह की बयानबाजियां भी तमाम राजनीतिक पार्टियों से आ रही हैं। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा दूं आप सभी का। जैनेन्द्र अर्कवंशी सुभाषपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजी हसन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, वहीं कुमार अशोक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी हसन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ओम प्रकाश राजभर के लिए अखिलेश यादव ने पत्र जारी कर दिया, ये वही ओम प्रकाश राजभर है जिनका हाथ पकड़कर 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव चले थे, तो क्या इसे सिर्फ एक राजनीतिक लाभ माना जाए? शुक्ला जी, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। राजनीति में गठबंधन अब बनते हैं और बहुत सारे बिगड़ते हैं, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको पहले से अलग नहीं किया।
देखिए समाजवादी पार्टी ने सम्मान पूर्वक बुलवाया था और सम्मान पूर्वक उनसे जाने के लिए नहीं कहा, ये कहा कि आप कि जहां जा सकते हैं वहां अगर आपको हमारी पार्टी से ज्यादा सम्मान कहीं मिल सकता है तो आप जा सकते हैं, मतलब जाइए। तो अगर किसी ने हक मांग लिया, अगर किसी ने कह दिया कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ, मैं दलितों का नेता हूँ, आप उनको उनको टिकट दे, उनको तवज्जो दे पार्टी में, तो क्या आप ये कह देंगे कि जहाँ इज्जत मिल रही है आप वहाँ चले जाइए? इससे तो साफ, आपने तो साफ साफ कह दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि पिछड़ों और दलितों को फेवर में नहीं है आप। जी मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूं कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर दलितों के, शोषितों के, गरीबों के और किसानों के नेता हैं, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में उनका गठबंधन सफलता पूर्वक रहा है। पर आज की जो स्थिति और परिस्थितियां, राजनीति स्थिति और परिस्थितियां बदती और बिगड़ती रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन करना है या जा रहे हैं, ये संभावनाएं उनकी बन रही हैं, तो हमारी तरफ से तो पूरी खुली छूट है। मैंने गठबंधन से हटाने का उनको कहा नहीं, मैंने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही। अब वो कहीं जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। शिवपाल यादव की बात करते हैं, आखिर शिवपाल यादव को भी लेकर के अखिलेश यादव ने बात कही है, तो क्या ऐसे आना जाना क्यों लगा हुआ है शिवपाल चाचा का? फिर देखिए मैंने क्या कहा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कौन कहां आ जाए और कौन कहां किस करवट बैठ जाए ये कहा नहीं जा सकता। शीतला जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 42 पार्टियों से गठबंधन कर रखा है। पहले ही ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव और संजय निषाद जी पहले गठबंधन तोड़ते उनसे, फिर हमारे इल्जाम तो पहले भी आप पर लग ही रहे हैं। तमाम तरह की आपने बयानबाजी भी सुनी होगी कि आपका गठबंधन किसी से चलता नहीं। हमारे साथ जैनेन्द्र जी जुड़े हुए। जैनेन्द्र, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने जब उन्होंने साफ साफ अपने बयान में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि जब उन्होंने बात कही कि गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट दिया जाए, कम से कम कुछ तो वोटों की कमी वो पूरी करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनका साफ साफ इल्जाम है कि जब दलित, शोषित, वंचित के लिए हक मांगा गया तो पार्टी में जगह नहीं है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए हम एक गठबंधन में शामिल थे और सपा गठबंधन सपा के साथ थे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सपा अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ने में यकीन नहीं रखती है। 2019 में बसपा रही हो, 2022 में महान दल या हमारी पार्टी रही हो, देखिए हमने तो केवल सच बोला। माननीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी ने केवल सच बोला कि आपको एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए और कम से कम कुछ नहीं तो अपने भाई के लिए तो चुनाव प्रचार में आना चाहिए था, आजमगढ़ जो चुनाव हुए थे, लेकिन वो नहीं आए, उसकी वजह से 8,400 वोटों से वो हार गए। तो हमने केवल सच दिखाने के लिए बोला। और उन्होंने जो एक कहावत है कि धूल जमी थी चेहरे पे और पहुंचते रहे हम जीता, तो ये वही चीज है कि अब हमको कहा जा रहा है कि आपको गठबंधन से तलाक 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 दे दिया गया। तो मेरे नेता जी परसों तक बोल रहे थे, उन्होंने परसों भी जो वक्तव्य दिया उसमें बोला उन्होंने कि 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 2027 में भी चुनाव लड़ेंगे मिलकर। लेकिन जिनको सच कड़वा लगता है और कुछ नवरत्न है जो माननीय अखिलेश जी के कान भरने में लगे रहते हैं, तो ये वही नवरत्न है जिन्होंने ये कहा था कि आपको, यानी कि माननीय अखिलेश जी को आजमगढ़ उपचुनाव में आने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही जीते रखते हैं, ये वही नवरत्न है। तो मैं यही बताना चाहूंगा, मैं समाजवादी पार्टी का जो है पक्ष रखते हुए वो आप जाता हूं दोबारा से, आप बता दीजिए किसने कहा था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकने के लिए, आप नाम बताइए उसके। और प्राइम टीवी चैनल पे बैठकर आप बात कर रहे हैं, नौरत्नों की बात कर रहे हैं, आप बताइए कौन सा वो नौरत्न था जिसने ओम प्रकाश राजभर जी को फोन किया कि आने की जरूरत नहीं है, बताइए। नहीं नहीं देखिए अभी मैं उदयवीर सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमने 5 तारीख को निमंत्रण दिया था, 6 तारीख को मना कर दिया था और 7 तारीख को
छह तारीख को ये कह के मना किया कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हो रही है। देखिए निमंत्रण देना और मना कर देना परिस्थितियां बनती रहती है, कहीं ना कहीं साधना गुप्ता जी की तबीयत खराब थी, यही बताना चाहूंगा कि नेता जी की धर्मपत्नी की इस वजह से कहीं ना कहीं इसको मीटिंग को पोस्टपोन किया गया था। रफी हसन जी आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का, आप जनेंद्र जी को उनकी बात रखने दें। बनाना चाहते हैं इसको और बोलना चाहते हैं कि मीटिंग में फोन किया गया फिर मना किया गया, तो आप पॉलिटिकल बनाकर इसको इश्यू बनाकर आप पॉलिटिकल बन सकते हैं, उसको भुना सकते हैं, पर कहीं ना कहीं सच्चाई। लेकिन जो लेटर जारी किया अखिलेश यादव ने वो पॉलिटिकल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं रजी हसन जी? जो अखिलेश यादव ने लेटर जारी किया वो पॉलिटिकल नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अखिलेश यादव जी ने अगर लेटर जारी किया, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, हम सुन ले पूरी मेरी बात सुन ले फिर उसके बाद उनकी भी सुनिएगा, मैं भी उनको सुनूंगा बहुत धैर्य से सुनूंगा, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, सुनना जानते हैं, साथ चलना जानते हैं, जोड़ना जानते हैं। अगर मान लीजिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लेटर जारी किया, तो लेटर जारी किया उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं उस शब्दों को फिर से आपके रूप आपके सामने समक्ष पढ़कर बता देता हूँ, उसमें क्या सच्चाई है और क्या लिखा है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अगर उस पर लिखा है तो ये लिखा, देखिए मैंने ये बताया आपको कि अगर श्री ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी में लगातार और शिवपाल जी के माननीय शिवपाल सिंह यादव जी अगर लगता है कि आपको कहीं ज्यादा सम्मान मिल सकता है तो वो स्वतंत्र हैं। अब इसका मतलब अगर इसको पॉलिटिकल स्टैंड बनाया जाए तो गलत आपको बात है। कहीं ज्यादा सम्मान मिल सकता है का मतलब क्या था रजी हसन जी? देखिए सम्मान गठबंधन के हमारे साथी हैं और गठबंधन की उपेक्षा तो अखिलेश यादव जी खुद मानते हैं कि उन्हें ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा है वो भी राजभर को पार्टी में। मैं सुननी सुन तो लीजिए मेरा जवाब तो सुन लीजिए। देखिए गठबंधन दो पार्टियों के बीच में होता है, दो नेताओं के बीच में होता है, और गठबंधन में दोनों नेताओं की इच्छाओं का बहुत बड़ा एक महल होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी नेता की इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं हो पाता दुर्भाग्यपूर्वक। तो इसको अगर वो नेता सोचे कि ये मेरा अपमान है और मुझे इससे ज्यादा कहीं सम्मान मिल सकता है तो अवश्य आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर सम्मान समाजवादी पार्टी देना जानती है और समाजवादी पार्टी ही एक। लेकिन एक बात बताइए जरा, जिस तरह से लगा एनडीए, मेरी बात सुनिए, एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको वोट देना क्या भारी पड़ गया है ओपी राजभर को? और शिवपाल यादव ने भी सपोर्ट किया, क्या ये मतलब एक भारी, अगर देखिए देश का संविधान बचाने की जिम्मेदारी, मेरी बात सुनिए, देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है, मत देने जी बिल्कुल, उसी को बनाया जाएगा राष्ट्रपति, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति के हाथों में, तो ऑब्वियसली सब किसी का अपना खुद का मत है वो देगा, लेकिन इतना क्या भारी पड़ गया कि जारी करके कह दिया गया ज्यादा सम्मान जहां मिल रहा हो, मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है समाजवादी पार्टी में। चलिए मैं आपके पास रजी हसन जी वापस आऊंगी, हमारे साथ कुमार अशोक जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। कुमार, अभी केशव मौर्य डिप्टी सीएम का एक ट्वीट आया कि अखिलेश यादव पे तंज कसते उन्होंने ट्वीट किया कि आपकी पार्टी में हमेशा से ही दलित पिछड़ों चाहे वो ओबीसी उनको सम्मान नहीं मिलता, अपनी सरकार रहते हुए आपने किसी दलित को डिप्टी सीएम बनाया, क्या एक संकेत है कि कभी अगर ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत किया जाएगा खुले दिल से? भारतीय जनता पार्टी तो इसीलिए सारा चक्कर चला रही है, ये भारतीय जनता पार्टी वोट डालो अपना रोटी सेको ये तो उसका काम है, बहुत ज्यादा हम लोग का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने पत्र जारी करके पूरे समाज में राजनीति को एक तरफ आकर्षित किया है, तो हम आप जरूर कहना चाहेंगे एक लाइन में कि खौफे आगोश ने उन्हें इस कदर डरा रखा है, खौफे आगोश ने उन्हें इस कदर डरा रखा है कि उन्होंने उजाले में भी चिराग जला रखा है, वो पूरी तरह से डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से भयभीत है। अब जो केशव जी ने कहा मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, रजी हसन जी आप पहले कुमार को बोल लेने दें फिर आप अपना पक्ष रखें, कुमार अपना पक्ष रखें आप। शीतला जी मैं आप ही के बात का जवाब दे रहा हूँ, जो आपने केशव जी का प्रश्न किया मैं उस पर आ रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात भी रखूंगा कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसके बाद दो लड़कों की जोड़ी और उसके बाद बुआ और बबुआ, ये तीनों में लोगों ने देखा कि क्या हश्र हुआ। जयंत के साथ जब अजीत चौधरी के साथ उन्होंने संपर्क किया था किस तरह से चरण सिंह चौधरी चरण सिंह के बीच में जुड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया, ये लोग भूले नहीं है।
तो एक स्थिति तो इनकी बनती है। मैं तो अब ये मेरा उत्तर, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी में आज अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी अतिरेक काल से गुजर रहे हैं और अतिरेक काल में जो उनके साथ ए मैन ए गुड मैन सराउंडेड विद द बैड पीपल्स जो ये कहावत कही जाती है वह पूरी तरह चरितार्थ हो रही है अखिलेश यादव जी के ऊपर कि जो उनके साथ में रहने वाले लोग हैं वो उनको इतना हवा भरे हुए हैं कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो राजनीति में अपने चाचा का, अपने पिता का, अपने परिवार का किस तरह से उनका अपमान हो रहा है। अतिरेक आकर के इतना बड़ा रिएक्शन देना कि आप जाइए, जैसे उन्होंने कहा कि जहां आपको सम्मान मिलता हो आप स्वतंत्र हैं, तो क्या शिवपाल जी अब तक परतंत्र थे? शिवपाल यादव जी एक बड़े नेता हैं, उनको परतंत्र बताना कि आप परतंत्र थे, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो अतिरेक में आकर के निश्चित तौर पर उनके सलाहकारों ने उनसे कहा, वो उन्होंने किया। तो ऐसे में राजनीति में अतिरेक में नहीं आना चाहिए। और समाजवादी नेता, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सभ्य तरीके से इस डिबेट को भी आप हो जाने दें, आपको भी पूरा मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। मानवजनक टिप्पणी, और अभी आपने बात की ना राजनीति है, तो राजनीति में हर किसी का जो पक्ष है वो जरूरी है, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी जरूरी है, आप उनका पक्ष तो रख लेते, फिर आप जवाब दीजिएगा। शीतला जी, इसमें नैतिकता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और आज जो नैतिकता का जो अंतर आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये समाजवाद जो है, जो लोहिया जी जितने बड़े बात करते थे, वो खुद कहते थे कि राजनीति में फिसलन बहुत है, खूंटे गाड़ी है, डॉक्टर लोहिया बार बार कहा करते थे, तो आज डॉक्टर लोहिया की आत्मा भी ऊपर से देख करके चिघाड़ रही होगी कि क्या हालत समाजवादियों की है जहां नैतिकता ही नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप चले जाइए, मुझे लगता है कि ये कहीं अतिरेक में आकर के उन्होंने रिएक्शन दिया है, और अतिरेक में नहीं आना चाहिए, राजनीति शांत भाव से करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात शीतला जी रखी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह राष्ट्र धर्म को लेकर के होता है, और राष्ट्र धर्म में हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह राष्ट्र की रक्षा में जिसको उचित समझे वो वोट दे, लेकिन अति पिछड़ों और दलितों के साथ सदा से भेदभाव रहा है, चाहे भूआ बगुआ की बात रही हो, चाहे काशीराम जी की बात रही हो, जो चाहे कांग्रेस की बात रही हो, इनके यहाँ एम वाई फैक्टर ही चलता है, ये सिर्फ यादव और मुसलमान को लेकर के ही राजनीति करना चाहते हैं। चलिए जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, किस क्यों नाराज है ओम प्रकाश राजभर जी? आखिर क्यों उन्होंने साफ साफ मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि वो बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे? क्या आपको लगता है कि जो दलित शोषित वंचित है, जो आपके साथ आठ और विधायक है, उन्होंने कहा कि हमारे जो आठ विधायक है वो हमारे साथ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की पार्टी बची है, बाकी दो जगहों पर कोई वैल्यू, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है दलितों और पिछड़ों को, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमने माननीय नेता जी ने, मतलब प्रकाश राजभर जी ने, चुनावों के समय ही कहा था कि किसे किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया अखिलेश भैया को कि आप इन इन जातियों से कैंडिडेट को खड़ा कर दें। तो कुल मिला के ये समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि उन्हें एम वाई समीकरण से बाहर आना है। अगर वो बाहर नहीं आते हैं और पिछड़ों की और दलितों की ऐसे ही उपेक्षा करेंगे, तो जो 2017 में हाल हुआ था इनका, उससे भी बुरा हाल 2024 और 2027 में होगा। हम तो अभी भी धन्यवाद देते हैं माननीय अखिलेश जी का कि चलिए आपने विदा कर दिया, तलाक दे दिया, तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने जो सलाह दी है उसको तो मान लीजिए, ये तो मत कहिए कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो मेरा इतना ही कहना है। बाकी रही बात समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की, तो उसकी चिंता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शुरू से करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जहां तक जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति चुनाव में हमें ना बुलाया गया, ना हमसे वोट मांगा गया, तो हम कैसे दे दें? जबकि एक एससी महिला जो कि आदिवासी समाज से आती है, वो खड़ी हुई है, हम उनको वोट क्यों ना दें? क्या इसके लिए भी उन्होंने आकर बताया या उनको मिलने बुलाया हम लोगों को कि उनको वोट इस वजह से ना दीजिए? जबकि आपने, आपको अच्छी तरह पता होगा, मैं यशवंत सिन्हा जी को कम नहीं आंक रहा हूं, वो भी बहुत जगहों से गुजर के आए हैं, लेकिन वो पिछले 40 साल से राजनीति में एक नंबर की केंद्रीय पद लेके राजनीति करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने उतनी चुनौतियां नहीं रही। जबकि द्रौपदी मुर्मू जी अभी तक राजनीति में थी और वो रोज प्रतिदिन
कोई ना कोई संघर्ष कर रही थी आदिवासी समाज के लिए, पीड़ितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, तो हम उनको वोट क्यों ना देते। जैनेन्द्र जी, द्रौपदी मुर्मू जी बहुत, हम सभी उनकी हिस्ट्री पढ़े, उनके बारे में जानते हैं, बहुत संघर्षों के साथ वो आगे आई है। और अगर बात किया जाए एक आदिवासी महिला जिस आज देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगी, कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए, तो इसका तो हम सभी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी बात कही शीला जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे समाजवादियों से, कि जो ये यशवंत सिन्हा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा के माध्यम से तो इनको अपना साथ बिल्कुल बिल्कुल बताइए रजी हसन जी, सीधा सीधा सवाल है आपसे शुभाष्पा की तरफ से, कि जिन्होंने आप वोट नहीं दिया है यशवंत सिन्हा जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया, क्या उन पे कार्रवाई होगी? क्योंकि एक राजभर जी भी एक साफ साफ एक बयान देते हुए नजर आए थे, मैं आपको सुना दूं, उन्होंने कहा कि समाजवादी मारती है तो रोने नहीं देती है। क्या मतलब देखते हैं आप इसका? आखिर गठबंधन रहा है आपके साथ, ओपी राजभर के साथ, आपका हाथ पकड़ के चले हो 2022 के चुनाव में, 8 सीटें जीती है उन्होंने। कि जो अभी रिसेंटली चुनाव जो हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति चुनी गई, उनको चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और रही बात कार्रवाई की समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन के साथी के साथ ना ही दबाव बना सकती है, ना ही ईडी का साथ ले सकती है, ना ही सीबीआई का साथ ले सकती है, ना ही पुलिस का साथ लेती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति और दोहरा चरित्र है, जो कि अगर आप उसे साथ नहीं देते हैं तो आपके पीछे सीबीआई लगा दी जाएगी। स्टेटमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से कहा गया स्टेटमेंट तो अखिलेश यादव ने जारी किया शिवपाल यादव के लिए, जो उनके चाचा है, इतने वरिष्ठ नेता है, उन्होंने उनका साथ दिया, इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम्स के बाद भी वो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ है, उनका साथ दिया, उसके बावजूद भी उनको कह दिया गया कि जिसको रहना वो रहे, जिसको जाना है वो जाए। और आप दोहरे चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? पहले आप सुन लीजिए हमारी बात, मैं पूरे मुद्दे पर आता हूँ। आपने कहा कि दबाव बनाया जा रहा और उन पे कार्रवाई की जा रही, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव बना, ये सवाल आपसे मेरा नहीं है कि कार्रवाई की जा रही है, मैंने आपको बस वो बताया जो ओपी राजभर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि भारतीय जनता माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी जब मारती है तो रोने नहीं देती है, ये उनका कहना है। और आपसे ये सवाल किया गया है कि अगर हमने एनडीए को वोट दे दिया तो क्या हम पे कार्रवाई होगी, जवाब दीजिए आप इसका, साफ साफ जवाब दीजिए। देखिए कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती है, हम लोगों का देखिए जनमत उनका था, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और वो अपने हमारे गठबंधन के साथी थे, उन्होंने गठबंधन का साथ ना दे करके भी कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के और एनडीए को वोट दिया, तो उनको उनको धन्यवाद, देखिए ये कार्रवाई कोई बहुत बड़ी कार्रवाई इसको नहीं कहा जा सकता। ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिसको जहां भी जाना है, जहां सम्मान ज्यादा मिल सकता है वो वहां जा सकता है, इसको कार्रवाई नहीं। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन तो नहीं तोड़ा, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये तो नहीं कहा कि मैं राजनीति करने वाले को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, ना कि नाथूराम गोडसे की पार्टी है। नाथूराम गोडसे वाले आजकल जो उत्तर प्रदेश और देश में सरकार चला रहे हैं, उनका तो सीधा सीधा पंडा, अगर आप वोट देते हैं तो वरना मुर्गी चोरी का, किताब चोरी का इल्जाम लगाकर आपको 27 महीने वही आरोप तो बाप पे भी लग गया। ओपी राजभर ने सीधा सीधा कह दिया, हमने दलितों, शोषितों, वंचितों के का हक मांगा पार्टी में, हमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इनडायरेक्टली हमें कहा जा रहा है रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो नहीं रहिए, उन्होंने एग्जांपल भी दिया अभी उपचुनाव का। फिर मैं आपसे वही देखिए वही तो समाजवादी पार्टी भी अपना रही, आप हक मांगेंगे तो आपको पार्टी के बाहर जाने का रास्ता, मेन चीज आप इसका जवाब दे, ज्यादा इज्जत जहां मिल रही हो, खुद आप लोगों ने मान लिया कि आप ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे, उम्र में भी ज्यादा है ओपी राजभर और शिवपाल यादव जी। देखिए डॉक्टर भी
भीमराव अंबेडकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों की पार्टी समाजवादी पार्टी है और सबका सम्मान करना चाहती है पार्टी। हमारे यहाँ नहीं होता कि अटल जी जैसे नेता को अपमानित करके, अरुण जेटली जैसे नेता को अपमानित करके और जो है मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को अपमानित करके पूरे देश ने देखा था कैसे नेता जी का अपमान किया गया। जेटली जी आखिरी समय तक मंत्री रहे, पापा जी का अपमान किया गया। समाजवादी पार्टी तुम्हारी कह रही रजी हसन, अगर बात अपमान की होती है तो अपमान की बात समाजवादी पार्टी तो नहीं करे। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मुझे तीनों का जवाब देना है। एक तो भाजपा के प्रवक्ता है उनका जवाब देना है, एक आप एंकर हैं उनका भी जवाब देना है। अटल जी, आपने अटल जी की बात की, अटल जी तो आखिरी समय तक बने रहे और यही स्थिति रही है जेटली जी। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप लोग एग्रेशन में आ जाते हैं, हमें बैठाने का मतलब नहीं था, पहले तो आप लोग जवाब नहीं देते, फिर आप लोग एंकर पे आ जाते। आप गलत बोलेंगे तो हम आपको बताएंगे ना कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप लोग तुरंत एंकर पे आ जाते हैं। सुनिए सुनिए, पहले जवाब देना आप लोग सही से शुरू कर दे तो एंकर भी सुनना पसंद करेगी आप लोगों को। मैं शालीनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष रखते हुए मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसको सुनिए। समाजवादी पार्टी के लेटर जारी होने पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है कि जिसमें आपको आपसे गठबंधन तोड़ा जा रहा है या जिसमें आपको निकाला जा रहा है या जिसमें आपसे दरकिनार किया जा रहा है। ये कहा गया कि भाई सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। अरुण जेटली जी को कहा ने सम्मान दिया, वो बेचारे चले, वो मुरली मनोहर जोशी जी को सम्मान क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मान क्यों नहीं दिया। हाँ, सम्मान देना जानती है भारतीय जनता पार्टी, किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर सम्मान देना चाहती है, एमएसपी लागू करके। आप बात सुभाषपा की करें आज, आपके गठबंधन, आपके गठबंधन में बड़ा दरार पड़ा है, आज आप सुभाषपा और बसपा की बात करें। चलिए हमारे साथ सुभाषपा के नेता है, हम उनसे बात करेंगे। जैनेन्द्र जी, साफ साफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो लेटर इन्होंने जारी किया उसमें इनका ये कहना है कि उन्होंने पार्टी से जाने की बात नहीं कही, उन्होंने ये कहा कि अपनी मर्जी से जिसको जाना है जाए और जिसको रहना है रहे। क्या कहेंगे आप उस पर? साफ साफ इससे इनकार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी भी सम्मान दे रहे हैं आपको, ज्यादा जहां सम्मान मिले वहां जाएं। नहीं, लेटर में पढ़ के एक बार फिर से सुना देता हूं। श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको निकाल रहे हैं, गठबंधन से अलग कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें कहा किसी को हिंदी समझने में दिक्कत आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप एक तो ये भी स्वीकार करते हैं कि हमने राष्ट्रपति चुनाव के समय पहले बुलाकर निमंत्रण वापस ले लिया और अपेक्षा करते हैं कि हम उसी कैंडिडेट को वोट दें जो जिसने हमें बुलाया ही नहीं, आमंत्रित ही नहीं किया, यानी कि बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला दीवाना बन जाएं, आप ये चाहते थे। लेकिन हमारे नेताजी भी जानते थे कि वोट किसको देना है, कौन दलितों पिछड़ों की आवाज वहां राष्ट्रपति पद पर पहुंच के उठाएगा, तो उसके लिए उन्होंने वोट किया, ना कि आपके उन 10 नेताओं की तरह जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और वोट किया और अब आप पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि ओपी राजभर मुखर होके सामने आए। देश के संविधान की जब बात आई तो ओपी राजभर मुखर होके सामने आए। माफ करिएगा, समय की कमी होने के कारण और हमारे जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं, इसलिए मैं इस डिबेट को यहीं रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।